बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दोस्तों को इल्तमास है कि मेरी वीडियो सबसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है और आपके इल्म में कोई कमी नहीं आती। आइंदा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन विंटर 2013 के पेपर 31 और पेपर 32 का क्वेश्चन नंबर 8 है। लेकिन थ्रू आउट दिस क्वेश्चन द यूज़ ऑफ अ कैलकुलेटर इज़ नॉट परमिटेड। कैलकुलेटर आप कहीं भी इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं करेंगे। पार्ट ए में कहता है द कम्प्लेक्स नंबर यू एंड वी सेटिस्फाई द इक्वेशन यू प्लस टू वी इज इक्वल टू आयोटा एंड आयोटा यू प्लस वी इज इक्वल थ्री। सॉल्व द इक्वेशन फॉर यू एंड वी गिविंग बोथ आंसर्स इन द फॉर्म एक्स प्लस आयोटा वायर एक्स एंड वायर रियल। यानी ये यू दो इक्वेशन भी है यू और वी में, तो इस पर यू और वी की सॉल्यूशन लेना है। तो देखिए, पहली इक्वेशन तो ये है कि यू प्लस टू वी कितना है, टू आयोटा की इक्वेशन नंबर वन। दूसरी इक्वेशन है आयोटा यू प्लस वी इज इक्वल टू थ्री की इक्वेशन नंबर। अब इक्वेशन टू से वी की वैल्यू निकालें तो वी आ रहा है थ्री माइनस आयोटा यू के। ये आप पहली इक्वेशन में पुट करें, पुट दिस इक्वेशन वन, तो अब यू प्लस टू वी, यू प्लस टू वी की जगह आ जाएगा थ्री माइनस आयोटा यू इज इक्वल टू टू आयोटा। अब ये यू प्लस सिक्स और माइनस ये आ जाएगा टू आयोटा यू इज इक्वल टू टू आयोटा के। तो इससे हम यू की वैल्यू निकाल देंगे, तो ये देखें u माइनस टू आयोटा यू इज इक्वल टू प्लस का सिक्स, माइनस सिक्स हो जाएगा प्लस टू आयोटा के। u कॉमन तो आ जाएगा वन माइनस टू आयोटा इज इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस टू आयोटा के। तो u आ जाएगा माइनस सिक्स प्लस टू आयोटा अपॉन वन माइनस टू आयोटा के। इसको रिशलाइज करेंगे, माइनस सिक्स प्लस टू आयोटा वन माइनस टू आयोटा आ गया u की वैल्यू, लेकिन अभी उसमें फॉर्म ही नहीं है। तो ये वन प्लस टू आयोटा से मल्टीप्लाई किया, वन प्लस टू आयोटा से डिवाइड भी किया, तो u आ गया माइनस सिक्स, इसको करेगा माइनस के सिक्स माइनस के ट्वेल्व आयोटा, टू आयोटा वन को करेगा प्लस का टू आयोटा और प्लस फोर आयोटा स्क्वायर। और ये a माइनस बी, ए प्लस बी, तो वन माइनस फोर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब फोर आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, तो u आ जाएगा माइनस सिक्स माइनस ट्वेल्व आयोटा प्लस टेन माइनस टेन आयोटा आ जाएगा, माइनस का फोर अपॉन ये माइनस आयोटा का माइनस वन होता है, तो वन ये प्लस फोर हो जाएगा, फाइव के हो जाएगा। तो आप देखेंगे यू माइनस सिक्स माइनस फोर माइनस टेन, माइनस टेन माइनस टेन आयोटा अपॉन फाइव, फाइव दोनों के नीचे है, डिवाइड करें तो यू आ जाएगा माइनस टेन को फाइव डिवाइड करेगा माइनस टू और माइनस टू आयोटा आंसर। ये यू का वैल्यू आ गया माइनस टू आयोटा। अब हमारा देखें वी जो है, वी कितना था, वी हमारा जो हमने किया था वी बराबर था थ्री माइनस आयोटा यू के, तो वी की वैल्यू निकाल दें, वी है थ्री माइनस आयोटा यू, तो वी आ जाएगा थ्री माइनस आयोटा यू की वैल्यू है माइनस टू आयोटा, तो वी निकल आएगा हमारा ये थ्री ये माइनस आयोटा इसको करेगा, यह आ जाएगा प्लस के टू आयोटा और यह आ जाएगा प्लस का टू आयोटा स्क्वायर। आयोटा इसका माइनस वन होता है, तो आ जाएगा थ्री प्लस टू आयोटा माइनस टू हो जाएगा, तो हो जाएगा वन प्लस टू आयोटा के। यानी वी की हमारा यू जो आया वो आया माइनस टू आयोटा और वी आया वन प्लस टू आयोटा आंसर। यू अभी हमने सॉल्व कर लिए, अब किसी भी मेथड से इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है नेक्स्ट पार्ट, ये कह रहा है ऑन द आर्गन डायग्राम स्केच द लोकस रिप्रेजेंट कम्प्लेक्स नंबर जेड सेटिस्फाइंग जेड प्लस आयोटा मॉडुलस इज इक्वल टू वन एंड द लोकस रिप्रेजेंट कम्प्लेक्स नंबर डब्ल्यू सेटिस्फाइंग आर्ग्यूमेंट डब्ल्यू माइनस टू इज इक्वल थ्री अपॉन फोर डब्ल्यू। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ जेड माइनस डब्ल्यू मॉडुलस फॉर पॉइंट्स ऑन दिस लोसा। ये तो पार्ट बाद में करते हैं, पहले ये दोनों लोकस हमें प्लॉट करते हैं। एक पे भी प्लॉट कर सकते हैं, दोनों पे, पहले तो एक सेपरेट करता हूँ, फिर एक पे करूँगा। देखें, जो हमें लोकस प्लॉट करने हैं, एक लोकस है हमारा z प्लस आयोटा मॉडुलस इज इक्वल टू वन, तो माइनस कामन लेने z माइनस कामन तो यह आ जाएगा ज़ीरो और माइनस आयोटा इज इक्वल टू वन। यानी माइनस आयोटा सेंटर होगा, माइनस आयोटा ये रहा सेंटर और वन की रेडियस, तो ये हमारा सर्कल निकलेगा। देखें ये जीरो कामा वन, जीरो कामा माइनस वन सेंटर है, जीरो कामा माइनस वन सॉरी, ये जीरो कामा माइनस वन, जीरो कामा
माइनस वन और वन का रेडियस है ये, देखिए ये सर्कल निकला। अच्छा उसके बाद दूसरा लोकस क्या कहता है, दूसरा लोकस भी चलो इधर ही कर लेता हूँ एक में, फिर दोनों के काम देखेंगे। दूसरा लोकस ये कह रहा है कि आर्ग्यूमेंट w माइनस टू इज 3π/4, तो माइनस का यानी 2 है और उधर 3π/4 की 2 शामिल तो नहीं होता, लेकिन 3π/4 एंगल बनाएगा 2 के साथ, तो 2 हमारा तकरीबन इधर आता है 2, ये आएगा 2, ये 2 इसके साथ पाई बाय फोर की 3π/4 की एंगल ऐसे बनेगी, ये शामिल 2 पॉइंट नहीं होगा, ये एंगल 3π/4 होगी, ये एंगल 3π/4 होगी। अच्छा अगर ये 3π/4 तो ये π/4 होगी, ये भी π/4 होगी, तो इसका मकसद ये अगर 2 है सा तो ये भी सा 2 ही आएगा, ठीक है। तो अब ये तो हो गया, अब ये कह रहा है कि व्हाट इज दी लीस्ट डिस्टेंस, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है। अब इसने कहा है कि लीस्ट डिस्टेंस कितना है, ठीक है। टू थोड़ा सा आगे मैं थोड़ा सा इसको अगर स्केच करो, अब ये कह रहा है कि ये W का लोकस है, W और ये Z है, Z का इनमें से कम डिस्टेंस क्या है। कम से कम डिस्टेंस हमेशा आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला करो सेंटर ऑफ सर्कल से लाइन के ऊपर, ठीक है। तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो डिस्टेंस होगा सेंटर और लाइन का, सेंटर और लाइन का, उसमें से रेडियस माइनस कर दिया करो तो हमें वो कम से कम डिस्टेंस निकलेगा। मैं थोड़ा सा बड़ा करके पेश कर रहा हूँ, देखें ये 1 है तो ये 2 है, थोड़ा सा बड़ा किया है मैंने सर डायग्राम को, ये सर्कल है, ये 0, -1 और 2 का रेडियस है और ये 3π/4 है, तो ये सेंटर है। तो इधर से जो परपेंडिकुलर गुजरेगा ये z है ये w है, तो परपेंडिकुलर तो ये होगा 90। ये अगर मैं कहूँ ये c है, ये b कह दूँ, और तो c b तो ये हो जाएगा और ये a है, तो जो z माइनस w यानी जो इसने कहा है कि w माइनस z वैल्यूम करें, इसने क्या कहा है लीस्ट वैल्यू किसकी है सेकंड पार्ट में, इसने कहा है कि z माइनस w वैल्यूम करें, z माइनस w मॉडुलस, z माइनस w मॉडुलस का मकसद है कि z और w का डिस्टेंस, तो w तो ये है और z ये है, तो कम से कम डिस्टेंस जो होगा वो ए बी ही आएगा, ए बी यानी z माइनस w मॉडुलस वो हमेशा क्या होगा ए बी होगा, और ये सब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब हमें सवाल ये पैदा होता है कि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, हमें एक वैल्यू चाहिए सी बी की, सी बी की वैल्यू चाहिए, ये सी बी की वैल्यू चाहिए, और ये सी बी की वैल्यू चाहिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कितना है सी बी की वैल्यू, और उसके साथ साथ हमें अच्छा ये देखें ये पाई अपॉन फोर है, ये पाई अपॉन फोर है। अच्छा ये देखें ये बेसिकली 0, 2 है, ये 0, 2 है और ये 1 है, तो ये सा टोटल कितना आ जाता है, ये सा टोटल ये पाई बाय फोर की एंगल है और ये ऐसा टोटल आ जाता है हमारा कितना 3। आप इसमें साइन पाई बाय फोर अगर इस्तेमाल करें, इधर से इधर तक 3 आएगा, देखिए ये 2 ये और 1 ये 3, अगर आप साइन पाई बाय फोर इस्तेमाल करें साइन पाई बाय फोर तो ये आएगा सी बी अपॉन 3 के, साइन पाई बाय फोर होता है 1/√2 होता है, तो आ जाएगा सी बी अपॉन 3 के, तो सी बी आ जाता है 3/√2 सी बी आ जाता है 3/√2 के। तो ये देखिए यानी हमारा ये वैल्यू सी बी की आ गई 3√2, कैसे सी बी मैंने वैल्यू किया, देखिए ये हिस्सा बेसिकली इधर से इधर तक 2 है, इधर तक 1 है, ये 1 और ये 2, तो ये टोटल 3 हो गया, ये 90 डिग्री, ये देखिए 3π/4 एंगल है तो ये भी पाई बाय फोर होगी, ये भी पाई फोर, ये भी पाई बाय फोर होगी। अब आप साइन पाई बाय फोर इस्तेमाल करें तो सी बी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सी बी अपॉन ये आ गया 3 के,
तो सी बी अपान थ्री साइन पाई फोर होता है वन अपान अंडर रूट टू, सी बी आ गया थ्री अपान अंडर रूट टू। अच्छा अब हमें जो जेड माइनस डब्ल्यू है बेसिकली ए बी है, तो जेड माइनस डब्ल्यू अंडर रूट ए बी है, तो ए बी कितने के बराबर होगा, ए बी बराबर होगा सी बी का डिस्टेंस माइनस सी ए का डिस्टेंस। तो सी बी आ रहा है थ्री रूट टू, सी बी है थ्री रूट टू, इधर से इधर तक थ्री रूट टू निकाला है हमने, थ्री रूट टू और माइनस सी ए वन, तो थ्री अपॉन रूट टू माइनस वन, ये आंसर आ गया। इसको पॉइंट्स में भी ले सकते हैं आंसर, एक तरीका। दूसरा तरीका ये था कि आप इसकी इक्वेशन वैल्यू कर लेते, इसकी इक्वेशन वैल्यू कर लेते, देखिए और इक्वेशन से मिसाल इक्वेशन कोई भी आए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू जीरो आती है, उसका जो है यानी अगर मैं कहूँ कि अल्फ़ा और बीटा से डिस्टेंस क्या होता है, एक्स की जगह अल्फ़ा वाई की जगह बीटा पुट करते हैं, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा और प्लस सारी ये तो कोई डिजिट होता है ए टू है सी होता है ये सी और प्लस ये मॉडुलस ले लेते हैं अपान नीचे करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आप इसकी इक्वेशन दिखा रहे हैं ये थ्री बाय फोर ये टू से पास करते हैं इसका ग्रेडियंट माइनस वन है, तो इसकी इक्वेशन आ रही है वाई इज इक्वल टू ग्रेडियंट माइनस वन, तो माइनस एक्स प्लस टू, इसको इधर लेके आ जाए तो ये आती है एक्स प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल जीरो आ गई। इसका जीरो माइनस वन से डिस्टेंस मैल्यूम करें, एक्स का जीरो पुट करें जीरो, वाई की जगह माइनस वन माइनस वन माइनस टू मॉडुलस में अपान वन का स्क्वायर वन होगा वन और प्लस इसका वन का स्क्वायर वन अंडर रूट में, तो ये माइनस थ्री मॉडुलस यानी थ्री अपान रूट टू आ रहा है, ये भी थ्री अपान रूट टू इस तरीके से भी आ सकता है। तो थ्री अपान रूट टू में से आपने ये माइनस वन कर दिया तो हमें कम से कम डिस्टेंस मिल गया। उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।